TN24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां थाना बादलपुर पुलिस और लूट डकैती करने वाले बदमाशों के बीच थाना क्षेत्र के राजेपुर अंडरपास के पास हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षा हेतु चलाई गई गोली पैर में लगने के कारण 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 4 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, 4 अवैध चाकू, 1 चोरी की मोटरसाइकिल व 1 होंडा सिटी कार बरामद की गई है। थाना बादलपुर में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी, इसमें 3 बदमाशों का पैर में गोली लगाए, बाकी इन लोग तीनों के अलावा और 4 को भी गिरफ्तार किया है। आज शाम को पुलिस के मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गैंग के बारे में सूचना मिली थी। इन लोगों का गिरफ्तारी गहरा करके गिरफ्तारी करने के लिए जब पुलिस पहुंचे, वो बदमाशों पुलिस के ऊपर हमला किया। इसमें सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग किया, इसमें 3 लोग घायल हुए। इन लोगों का नाम है, 2 लोगों का नाम है विकास सिंह, तीसरा का नाम है आसिफ है। इन लोगों का इलाज के लिए भी अस्पताल भेजा जा रहा है। इन लोगों को कब्जे से 1 होंडा सिटी कार, 1 स्प्लेंडर, 3 315 बोर तमंचा, 4 चाकू और कुछ लाइव और कोका कारतूस भी बरामद की गई है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।